आज की वीडियो में जो हम एयरड्रॉप लेके आए हैं नया, उसमें आप अपने एसेट को 1000 से लेके $1500 में सेल कर पाओगे। प्लस crypto.com पे जो $1,000,000 का एयरड्रॉप चल रहा है, इसमें हमने आपको टेस्ट नेट बताया था, उसमें लोगों को TCRO नहीं मिल रहा है, उसका भी आपको सोल्यूशन बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। प्लस एंड आपको इंस्टेंटली यहाँ पे TCRO रिसीव्ड हो जाएंगे। तो बेसिकली जो एयरड्रॉप लेके आया हूँ गाइस, इसमें हम लेके आए हैं जेफर फाई की तरफ से। एंड पहले आप एयरड्रॉप को समझ लेना, उसके बाद ही आप वीडियो को छोड़ के जाना, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने मिस कर दिया तो बहुत ही बड़ा अमाउंट आप अर्न करने से रह जाओगे। तो देखो बेसिकली जेफर फाई एक एक्सचेंज है डिसेंट्रलाइज, जिसमें आप यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हो, पूल भी है, फार्मिंग भी कर सकते हो, सेव कर सकते हो, प्लस यहाँ पे ब्रिज भी है। एंड यहाँ पे हम जो वॉल्ट्स है, मेन चीज यही है, यहाँ पे अभी एक क्विस्ट चल रहा है। एंड यहाँ पे रिवार्ड के रूप में हमें NFT मिलेंगे। देखो सबसे पहले आपको समझा दूं, देखो वीडियो को समझ लेना और सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले लाइक करते जाओ, ठीक है। बाद में आप लोग भूल जाते हो, तो सबसे पहले आपको करना है क्विस्ट पे क्लिक, ठीक है। देखो जैसे क्विस्ट पे क्लिक करोगे, एक तो आपको पर डे जब ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको 100 XP मिलेंगे और यहाँ पे 75 Bolts मिलेंगे, ठीक है। XP गाइस वो है जिससे आपका लेवल इंक्रीज होगा, और बोल्ट्स जो है जिनसे हम NFT खरीदेंगे, और उन NFT से हम और एक्स्ट्रा खतरनाक वाली NFT खरीदेंगे बिल्कुल फ्री में। स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा वीडियो में, बने रहना, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लेम करोगे एंड ओके पे क्लिक करना, और यहाँ पे आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। 100 XP मिल चुके हैं, प्लस यहाँ पे हमें कट पे क्लिक करना एंड 75 Bolts मिल चुके हैं। अब यहाँ पे एक चीज और बता दूं, यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करना, जो बोल्ट मिलेंगे उनसे हमारा होगा यहाँ पे लेवल इंक्रीज, देख सकते हो अभी मेरा लेवल 1 है। अब आप लोगों को क्वेश्चन होगा इन बोल्ट से हमें मिलेगा क्या, तो सबसे पहले आपको बता दूं, यहाँ जैसे ही आप 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने ये रिवार्ड लिखा ना, इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो रिवार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे season 1 खत्म हो चुका है, ठीक है। एंड season 2 चल रहा है, यहाँ पे season 2 पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे फंडा ये है, जो हम यहाँ पे फ्री में बोल्ट्स कलेक्ट करेंगे, इन बोल्ट्स से हमें मिलेंगी यहाँ पे NFT, ठीक है। और इन NFT को हम सेल कर पाएंगे ओपन सी मार्केट पे। आपको पता है ओपन सी मार्केट पे एक एक NFT कितने कितने, एक एक $1,000-$2,000 की बिकती है, ठीक है। प्लस यहाँ पे मैटर करता है उस NFT की रेयरिटी क्या है, ठीक है, कॉमन है, एपिक है, तो वो ही इसी चीज के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इन NFTs को बाई नहीं करना है। देखो इसमें रिक्वायर है कितना, 1000 Bolts का, ठीक है। ये सारी कॉमन NFT हैं। तो सबसे पहले हमें जो काम करना है, उससे पहले आपको बता दूं, देखो यहाँ पे आपको NFT की जनरेशन शो हो जाएगी और यहाँ पे हर NFT की सप्लाई शो हो जाएगी। तो हमें उस NFT को, मतलब कहने का मतलब ये है, हमें ये कॉमन NFT खरीदनी है 3, ठीक है। अगर हम ये नहीं खरीद सकते हैं तो सबसे पहले हम जाएंगे ऊपर। देखो यहाँ पे कुछ ऐसा है, कॉमन से खरीदेंगे सिल्वर, और सिल्वर से खरीदेंगे गोल्ड, और गोल्ड से खरीदेंगे, वो भी आपको दिखा दूंगा। तो देखो जैसे ही आप थोड़ा सा ऊपर और करोगे तो यहाँ पे या तो आपके पास रिक्वायर 3 कॉमन NFT होना चाहिए, तब यहाँ पे आप एक सिल्वर NFT खरीद लोगे जिसकी सप्लाई 31 है। 31 बहुत ही कम होता है, मान सकता हूँ अगर यहाँ पे इसकी रेयरिटी अच्छी हुई तो ओपन सी पे ही आराम से $1,000-$800 में सेल हो जाएगी। प्लस यहाँ पे अगर जैसे हम, या तो हमारे पास 3000 अगर बोल्ट्स होंगे तब भी हम इस एक NFT को क्लेम कर पाएंगे, ठीक है। प्लस यहां पे जैसे ही आप ऊपर जाओगे तो यहां पे आपको जैसे और ऊपर जाना है, आपको ये सारी सिल्वर है और यहां पे इनकी क्वांटिटी दिख जाएगी कुछ। यहां पे आपको यूनिक सा और दिखाने वाला हूं, ये देखो ये आ गया ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे है गोल्ड NFT, ये और ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ पे सप्लाई देखो ओनली 12, प्लस गोल्ड NFT है इसकी, मतलब जनरेशन 2 की है, यहाँ पे देख सकते हो। एंड 12 ओनली सप्लाई 12 है। अब 12 NFT ओनली सप्लाई है तो प्राइस आप खुद ही गैस कर सकते हो ओपन सी पे कितना बूम करेगा। तो इसको हमें कलेक्ट करने के लिए या तो हमारे पास अभी 3 सिल्वर NFT होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया था, पहले या तो कॉमन से सिल्वर खरीदो, फिर उसके बाद 3 सिल्वर होने के बाद में हम या मतलब एक गोल्ड NFT खरीद सकते हैं। प्लस यहाँ पे 9000 अगर बोल्ट्स होंगे तो हम इस गोल्ड NFT को क्लेम कर पाएंगे। प्लस यहाँ पे एक और अपग्रेडेशन है, जैसे ऊपर करोगे आप, और जो गोल्ड NFT है इसमें किसी की 12 है, और ऊपर जाओगे तो यहाँ पे किसी पे 10 है, यहाँ पे किसी की 6 है, तो वो NFT हमें लेनी है जो सबसे कम हो, ठीक है। प्लस यहाँ पे और ऊपर जाओगे उसके बाद यहाँ पे आपको एक और, ये देखो जो सबसे खतरनाक NFT है यहाँ पे गाइस, वो है यहाँ पे ट्रॉफी करके, ठीक है। इस NFT को आपको करने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, ओनली आपके पास
3 गोल्ड NFT होंगी तभी आप इस NFT को क्राफ्ट कर पाओगे। क्राफ्ट कैसे करोगे वो भी मैं आपको दिखा दूँ। देखो सबसे पहले आपको इस NFT पे इस प्रकार से क्लिक करना पड़ता है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास जितनी भी NFT होंगी गोल्ड वाली 3, जैसे 3 इसकी रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे इसकी सप्लाई भी दिख जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे देखो आपको क्राफ्ट का ऑप्शन दिख जाएगा, तो हम इसको क्राफ्ट कर पाएंगे, प्लस इसको हम OpenSea मार्केट में सेल भी कर पाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात हो जाती है। ओके, अब आप लोगों को दिमाग में सबसे ज़्यादा ये सवाल होगा कि यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा बोल्ट्स कैसे अर्न कर पाएंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप लिक्विडिटी भी ऐड करते हो, ये रियल वर्ल्ड है, ठीक है, यहाँ पे कोई टेस्ट नेट वगैरह नहीं है। अगर यहाँ पे लिक्विडिटी अगर आप आधा डॉलर की भी करते हो, मतलब 10-20 रुपए की भी करते हो, मतलब, और हाँ सबसे पहले आप ये कहोगे कि फिर तो हम इथेरियम पे फीस बहुत लगेगी, तो वो भी आप लोगों का यहाँ पे सोल्यूशन बता देता हूँ। देखो जैसे ही यहाँ पे आप 3 डॉट पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे जो इथेरियम शो हो रहा है ना, इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिक्विडिटी आप पॉलीगोन में दे सकते हो, फैंटम में दे सकते हो, BSC में दे सकते हो, मतलब आप बोल्ट्स अर्न करने के लिए 10-20 रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट करके 50 रुपए मान लीजिए $2-3 आप किस पे स्मार्ट चेन पे कर सकते हो, पॉलीगोन पे, तो जो रिवार्ड होगा वो आप इस पे कर सकते हो। मगर जो NFT आपको क्लेम करनी होगी उसके लिए आपको यहाँ पे इथेरियम चेन ही सिलेक्ट करनी पड़ेगी, उसके लिए आप पॉलीगोन का यूज नहीं कर पाओगे क्लेम करने के लिए, और आप BSC का मत करना, ठीक है, सिर्फ ओनली इथेरियम। ये इतनी अच्छी बात है। प्लस यहाँ पे ये तो हो गया लिक्विडिटी का, एंड यहाँ पे अगर आप एक्सचेंज भी कर सकते हो, मतलब एक्सचेंज करते हो इधर से उधर, तो भी यहाँ पे आप वीकली हर वीक में 750 XP और 300 यहाँ पे बोल्ट्स जनरेट करोगे। प्लस यहाँ पे वीकली अर्न इंटरेस्ट, ठीक है, अगर यहाँ पे आप अपना फंड देते हो, जैसे कि मैं आपको दिखाई देता हूँ, यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करना और उसके बाद यहाँ पे ये सेव का ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है, सेव पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये लिखा है ना, देखो ये लिखा है ना अर्न इंटरेस्ट, और ये देखो शॉर्ट में लिखा है सेव, ठीक है, तो भी यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो 750 XP एंड 300 बोल्ट, ठीक है। तो सबसे फंडा मैंने आपको बता दिया, इसको अभी आप छोड़ देना, ठीक है, ये आप लेवल जब आपका 5 हो जाएगा तब यहाँ आप इसको कर पाओगे, ठीक है, तो ये बात की बात है। बट यहाँ पे आप पॉलीगोन पे या फिर स्मार्ट चेन पे $1-2 यहाँ पे लिक्विडिटी ऐड करके, लिक्विडिटी आपको पता है यहाँ पे कर सकते हो आराम, स्वैप एक्सचेंज पे जाना, सॉरी गाइस, पूल्स पे जाना। पूल्स पे जाने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएंगे कौन से नेटवर्क पे करना चाहते हो। मैं आपको रिकमेंड करूँगा पॉलीगॉन या BSC पे, ठीक है, इथेरियम पे मत करना। और उसके बाद यहाँ पे आपको 2 पेयर दिख जाएंगे, और वो लिक्विडिटी तो आपको मैंने टेस्ट नेट में करके दिखा दिया है, और अभी मैं crypto.com वाले जो अभी टेस्ट नेट बताया ना मैंने, उसमें भी करके दिखा दूंगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त लगा मुझे, ठीक है, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना मेरी मेहनत के लिए। अब चलते हैं crypto.com के ऊपर, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखो जैसे ही मुझे XP मिलते रहेंगे तो मेरी लेवल, और जब आपको लगे कि आपके बोल्ट्स इकट्ठे हो गए हैं कॉमन या फिर सिल्वर या गोल्ड NFT को खरीदने के लिए, उसके बाद इस ब्लू टिक पे क्लिक करना, एक छोटी सी ट्रांजैक्शन फीस जाएगी, आपके बोल्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे और आप क्राफ्टिंग कर पाओगे। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट लगा, मैं तो इसको करके आपको बाद में दिखाने वाला हूँ। ओके, अब मतलब सबसे ज़्यादा लोगों को यही क्वेश्चन थे कि हमको TCRO नहीं मिल रहे हैं। तो जैसा कि इनके ग्रुप से crypto.com वाले की तरफ से एक नई RPC आई है गाइस टेस्ट नेट की, इसका ये मतलब आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम पे। इस वाले को आप जो आपने पुरानी हो ना उसको आप हटा के यहाँ पे कस्टम RPC पे क्लिक करना। ओके, और यहाँ पे उसी प्रकार से मैंने आपको बता ही दिया, जैसे नेटवर्क नेम में कॉपी करना है, सेम पूरा चिपका देना, उसके बाद सेव के बटन पे क्लिक कर देना। उसके बाद मैंने आपको बता दिया ना यहाँ पे इनका मतलब जो टेस्ट नेट का जो स्वैप है क्रोडोनेक्स करके, ठीक है, इस पे आप कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करना। तो वीडियो लंबी हो जाएगी इसीलिए आप पूरी ये वाली वीडियो देख लेना। ओके, बकाया जयपुर वाला बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज़ एक लाइक कर देना। ओके।